हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश जी, किस तरह से ये हादसा हुआ सर? ये वो बस जमाल से कोई आ रही थी, खाली बस थी ना जी। तो वो उधर से सामान छोड़ के आ रहे थे जी। तो उन्हों की दोनों की आमने सामने पता नहीं ओवरटेकिंग में ही, हमें तो मौके पे देख के आए हैं गाड़ी लेके एम्बुलेंस, मौके पे ओवरटेकिंग में ही दोनों गाड़ी लगी है। थ्री व्हीलर जो है ऑटो, एक ज़्यादा नहीं 20-25 कदम घसीड़ के लगी है गाड़ी जी। बस घसीड़ के गई है, बस का कोई नुकसान नहीं है। वो दोनों के दोनों वहाँ पे फ्रेश हो गए, उस सारी ऑटो ख़त्म हो गई है। हम थाने में देख के आए, ऑटो भी और बस भी। अच्छा, ऑटो किस तरफ जा रहा था, बस किस तरफ से आ रही है? ऑटो इधर भट्टू साइड से आ रहा था और बस इधर जमाल साइड से जा रही है जी। और बस स्पीड पे थी, इसी करके दिक्कत हुई है ज़्यादा। वो जब भी तो बचे नहीं, सारा ख़त्म हो गया ऑटो। ऑटो में दो लोग थे? दो लोग थे जी। हाँ जी, एक की मैं शाम को सिविल हॉस्पिटल से चोपटा से बॉडी लेके आया हूँ उसमें एम्बुलेंस में, और एक यहाँ लाए थे अमर 108 वाली, उसमें वहाँ अंदर एडमिट करवाया, उसको सांस नहीं था उसके अंदर। प्रशासन से हम ये मांग करते हैं, नाम क्या है जी दोनों के? उसका नाम एक का तो सुभाष है सर, और एक ये बाबा बिहारी की समाधि के पास रहते, रात परिजन आए थे, नाम तो बताया था, मेरे दिमाग में नहीं है, बता देंगे थोड़ी देर में आने वाले परिजन। और इनके लिए गरीब आदमी है, कोई अच्छी सा भाई, हम किसी के साथ वो नहीं है भाई, ऐसा चलो होगी जो होगी, मृत्यु होगी भाई, इनका सहयोग बढ़िया दिया जाए। मेरा नाम सेठ सिंह है, छोटा भाई हूँ सुभाष का मैं, जिसका एक्सीडेंट होया है। तो पूरे एक्सीडेंट में गलती सर किसकी मानते हैं आप? गलती बस वाले की मानते हैं। फुल स्पीड थोड़ी टक्कर लगती, गड्डी घटवाती लगती, फुल स्पीड में बसती, बस वाले ने 120 की चढ़ा रखी होनी स्पीड, जिस हिसाब से है टेम्पो की हाल होया, एकदम से टक्कर मारी एकदम टेम्पो को, जब मैं चोर चोर हो गया किस्म का। तो सवारी लेके जा रहा था सर टेम्पो? नहीं नहीं, वो सामान छोड़ के वापस आ रहा था। तो जो दो लोग थे दोनों आपस में? हाँ, दोनों आपस में मतलब दोनों इकट्ठे जा रहे थे सामान छोड़ने के लिए, वहाँ से वापस आए ना वो रास्ते में। बस सामान छोड़ने कहाँ जा रहे थे, क्या काम? वो तो पता ही नहीं, वो ऑटो से लेबर का काम करते हैं। हाँ जी हाँ जी, वो तो जाते ही है। पूरे मामले मैं कुछ नहीं, बच्चों के प्रवेश चाहते हैं जो उसके बच्चे हैं, तो एक लड़का एक लड़की है। हाँ जी हाँ जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, भविष्य की मांग है सर, बस इतना ही कहना चाहते हैं हम प्रशासन से। हम तो ये चाहते, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक मेघल मात्र 7 साल का 8 साल का है और एक 12-13 साल की गुड़िया है। अब देखो सर, वो जाने वाला चला गया, हम नहीं कहते भी गलती ऑटो वाले की है या गलती बस वाले की है, लेकिन हमारा तो प्रशासन से हाथ जोड़ कर सिर्फ यही निवेदन है कि हमारे साथ इंसाफ हो, इनके बच्चों के साथ इंसाफ हो। क्या नाम है सर आपका? सुभाष मेहरा जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से ये हादसा हुआ सर? ये जी टेम्पो चलाता है वो सुभाष लड़का, हमारा लड़का जो राजेश है ये उसके साथ ही रहता है लगभग। कल ये कोई सामान लेके गए होंगे, वापसी आते वो कॉलेज की बस थी, उसने इनके टक्कर मारी, और ये एक तो मौके पे दम तोड़ गए, एक थोड़ी देर बाद में गुजर गए। ये हादसा बड़ा दर्दनाक हादसा था जी, वो सारा शरीर इनका वो जुड़ गया, यूँ पिच गया एकदम से, सारे पैर पता नहीं कितनी जगह से टूटे, कोई अंदाजा ही नहीं है, सारा शरीर इनका दोनों का ये खत्म हो गया। बस की स्पीड भी काफी तेज, बस की स्पीड भी खूब थी। तो क्या कार्रवाई चाहते हैं पूरे मामले में? कार्रवाई जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो होनी चाहिए बस वाले पे भी, क्यों बस वाले जो ये स्कूल कॉलेज के हैं, ये बढ़िया ड्राइवर तो रखते नहीं, ये कम पैसे वाले ड्राइवर ढूंढते हैं, उनको एक्सपीरियंस होता नहीं है ना, उनको अंदाजा होता है किधर से बस निकलेगी किधर से नहीं निकलेगी, ये तो बस धड़ाधड़ फटाफट छोड़ने की कोशिश करते हैं, सवारी बिठाई बच्चे जो हैं घर छोड़ यहाँ भागदौड़ में रहते हैं, अनजाने पण में लापरवाही में एक्सीडेंट करते हैं। इनकी लापरवाही है, कॉलेज वालों की थोड़ी फीस, उनकी तनख्वाह बचानी है, जाने वाले की जान चली गई। अब सख्त कार्रवाई होनी चाहिए पूरे मामले में, बिल्कुल पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।